जिले के सहकारी केंद्र बैंक एवं सहकारी सोसाइटियों से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वार्षिक साधारण सभा रविवार को राधा वल्लभ स्थित निजी होटल में आयोजित की गई। संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र भटोरे ने सभा के दौरान निर्णय लिया है कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी नमो ऐप पर पेंशन तय करने को लेकर पीएम तक आवेदन पहुंचाएंगे। कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान में सीसीबी या सोसाइटी कर्मचारी को कोई पेंशन नहीं दी जाती, बल्कि अंशदान के रूप में महज 700 रुपए से 2200 रुपए तक मिलते हैं, जो महंगाई के दौर में काफी नहीं है। हमारी मांग है कि शासन अधिक पेंशन के बजाय एक न्यूनतम पेंशन तय कर दे, जिससे वे अपना गुजारा कर सके। इसके अलावा बैठक में संघ की ओर से सदस्यों को गंभीर बीमारी की दशा में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता करने पर सहमति दी गई। इस दौरान वरिष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचारियों का शॉल श्रीफर भेंट कर सम्मान भी किया गया। इसमें संघ जो है अपने वित्तीय पत्रक जो होते हैं उसका वाचन करती है और आम सभा से उसकी मंजूरी लेती है। दूसरा, संघ के जो कार्य किए गए हैं वर्ष में उसके जो है प्रगति वाचन उसका किया जाता है, तथा संघ द्वारा एक फंड बनाया गया है अपने सदस्यों के लिए, उनके आकस्मिक निधन पर जो है वो 10,000 रुपये तक की सहायता प्रदान करता है, और जो है पेंशन जो है पेंशन के लिए वो हायर पेंशन तथा मिनिमम पेंशन के लिए ये वो संघ जो है अपनी आंदोलन जारी रखता है। आज बैठक में क्या निर्णय लिया कुछ ने? अब आज के बैठक में जो है अभी तक जो है कर्मचारी के शांत होने पर 5-10 हज़ार रुपये देने का प्रावधान था, लेकिन अभी जीवित रहते हुए भी यदि गंभीर बीमारी जैसे कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो उसको भी जो है वो 10,000 रुपये देने का निर्णय आज की मीटिंग में लिया गया है। हाँ, उसकी बढ़ोतरी को लेकर के निर्णय लिया गया, मतलब सहायता देने के बारे में 10,000 का निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री को जो है पेंशन के लिए जो है वो पत्र लिखने का निर्णय लिया गया है। हायर पेंशन तथा मिनिमम पेंशन दोनों की मांग के लिए भी पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।